मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला 3DS गेम्स खेलो, उसमें ज्यादा मजा आता है। देन मैंने डिसाइड किया आज मैं खेलूंगा पोकेमोन ओमेगा रूबी, वो भी 100 आवर्स के लिए। इस गेम में वो सभी कुछ होगा जो कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मेरा मिशन है इस दुनिया को ग्राउडोन से बचाना एंड एक ट्रेनर से पोकेमोन चैंपियन बनना। सो यार लेट्स सी क्या मैं इस दुनिया को ग्राउडोन से बचा पाऊंगा। सो गाइज हमारा गेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पोकेमोन ओमेगा रूबी। ये रहे हमारे प्रोफेसर, काफी सही यार, और मैं हूँ बॉय तो ऑब्वियसली उसी को सिलेक्ट किया। और उसके बाद मेरा कैरेक्टर रेडी हो चुका है, अब समय है एक्शन का। मैं हूँ ट्रक में और यहाँ पर दरवाजा खुल रहा है फाइनली यार। ओ माई गॉड क्या होगा बाहर, लेट्स सी। मैं हूँ लिटिल रूट टाउन में, ओके मैं बाहर जाने वाला हूँ, ओके लेट्स गो। ओ माई गॉड यार कितना ज्यादा ऑसम है ये और कितना मस्त शहर है। उसके बाद मैं मिला गेम की मॉम से, सो इसके बाद मैं गया पड़ोस में और यहाँ पर है मैं। तो यार ये तो तैयार हो रही है, मैं जानता नहीं और ये भी मुझे नहीं जानती है। वेल हाँ हम लोग काफी जल्द एक दूसरे को भी जान जाएंगे, लेकिन गाइस पता नहीं इसको मेरा नाम कैसे पता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा यार प्रोफेसर खतरे में, तो ऑब्वियसली मुझे अभी इनकी जान बचानी है। यहाँ पर इस बैग में 3 पोकेमोन्स है, ओके तो यहाँ पर ट्रिको और भी काफी सारे है जैसे कि टॉर्चिक एंड मडकिप। मुझे ट्रिको चाहिए लेकिन मैं लूंगा टॉर्चिक को बिकॉज यार मुझे ब्लेजकिन चाहिए। उसके बाद मैंने इसको हराया और उसके बाद मैं मिला मे से। और यहाँ पर क्या होता है ना, मैंने इससे बातें की और अचानक से क्या होता है हमारी फाइट वेब स्टार्ट हो गई। पहले तो मैंने इसको हराया, उसके बाद मैं आगे बढ़ा प्रोफेसर के पास जाने के बाद मुझे मिला पोकेडेक्स एंड पोकेबॉल। उसके बाद मैंने और मे ने साथ में काफी सारे ब्यूटी फ्लाई को देखा। उसके बाद क्या होना था यार, मैं गया पेटल बर्ज में, उसके बाद यहाँ पर डैड की जिम में आया है वैली, उसके बाद मैं गया पेटल बर्ज में और यहाँ पर भाई कोई साइंटिस्ट है जो कि खतरे में है। यहाँ पर कोई टीम मैग्मा का बंदा है, कोई ग्रंट है जो कि इसको परेशान कर रहा है, तो यार ऑब्वियसली हम लोग को इनकी भी जान बचानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने इसके साथ फाइट किया, उसके बाद मैं आगे बढ़ा। रस्टबोरो सिटी आने के बाद मेरी मुलाकात हुई मे से और इसने मुझे बताया इस टाउन में एक जिम भी है और उसके अंदर हमें जाना चाहिए। अचानक से मेरा टॉर्चिक इवॉल्व होने लगा जो कि एकदम से सरप्राइज था। वेल हां जो भी हो ये फाइनली बन चुका है कंबस्केन। उसके बाद मैं जिम में गया और रॉक्सैन को चैलेंज कर दिया अपने फर्स्ट जिम मैच के लिए और यहां पर भाई हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। इसके पास है जियोडूड। कंबस्केन में इवॉल्व होने के बाद मेरे पास आ चुका है डबल किक, काफी सही मैंने यूज किया। ये गया, अब आ चुका है नोज पैस, इस पे भी यूज किया एंड ये भी हार गया। और आखिरकार रॉक्सैन को डिफीट करने के बाद मुझे मिलता है मेरा फर्स्ट जिम बैज जो कि काफी कूल है। उसके बाद मैंने देखा टीम मैग्मा का ग्रंट चोरी करके भाग रहा है, तो यार मैं गया सामान लौटाया। उसके बाद पोकेमोन जिनका था उनको भी लौटा दिया। अचानक से क्या होता है मेरी मुलाकात हुई स्टीवन स्टोन के डैड से और मुझे मिला एक पार्सल। इसको डिलीवर करने के लिए मैं गया मिस्टर ब्रायनी के पास और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं डिफॉल्ट टाउन, वो भी इनकी बोट से, काफी ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद मैं जैसे ही डिफॉल्ट पहुंचा मैंने जिम बैटल के लिए चैलेंज कर दिया ब्रॉली को जो कि यहाँ का लीडर है। काफी ज्यादा मजा आएगा भाई, इसकी टाइपिंग है फाइटिंग, काफी मजा आएगा। इसका पहला पोकेमोन है मचोप, ओके आ जाओ यहाँ पे, मैं यूज करूंगा एम्बर क्योंकि सही होगा। ओके एक और बार करेंगे भाई, ये लास्ट नहीं है, ये है लास्ट और ये गया काम से। उसके बाद आता इसका लास्ट पोकेमोन माकुहिटा, इसको हराने के बाद आखिरकार ब्रॉली हार चुका है। और उसके बाद क्या होना था यार, मेरे पास हो चुके पूरे 2 जिम बैज। उसके बाद मैं मिला स्टीवन स्टोन से जो कि एक केव में है और यहाँ पर खड़ा है। वेल हाँ कैसे हो सर, मेरे पास लेटर है आपका, आपके डैड का है, चाहिए। उसके बाद मैंने डिलीवर किया और मुझे मिल गया एक TM स्टील विंग। उसके बाद मैंने कोशिश की एक जुबैड को कैच करने की जिससे कि मैं इसको स्टील विंग सिखा सकूंगा। उसके बाद लेट्स सी क्या मैं इसको कैच कर पाऊंगा। आखिरकार गाइस मैंने जुबैड को कैच कर लिया। उसके बाद मैं पहली बार मिला मैक्सी से जो कि टीम मैग्मा का बॉस है यार, कितना गुस्सा वाला है। उसके बाद मैं मिला लीसिया से जो कि शायद से पोकेमोन कोऑर्डिनेटर है, मैं जानता नहीं ढंग से लेकिन हाँ ये पोकेमोन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, यार ये क्या है, आगे चल के मैंने देखा टीम मैग्मा के काफी सारे लोग है। उसके बाद मैंने कैच करने की कोशिश की एक इलेक्ट्राइक को एंड लेट्स सी क्या होता है, ओके आखिरकार आ चुका है। चलो यार ये तो काफी ज्यादा ऑसम है। उसके बाद मैं और ज्यादा आगे बढ़ा, मैं जैसे ही आगे पहुंचा यहाँ पर तो मैं है, हमारी फाइट स्टार्ट हो गई, काफी सही यार। और ये होगा लास्ट फ्लेम चार्ज इसके मुंह पे और ये मोटा पोकेमोन मरने वाला है, मर गया। उसके बाद मैं एक साइकिल की शॉप पे पहुंचा, ओ माय गॉड यहाँ पर कोई अंकल है, हेलो सर, इन्होंने मुझे एक साइकिल दे दी यार, काफी सही। उसके बाद मैं मिला वैली से, ये गुस्से में क्यों है भाई, ओके फाइट करनी है, आजा भाई आजा। इसके पास वही राइड्स है जो कि इसने स्टार्टिंग में कैच किया था, ओ माय गॉड 17 लेवल, कोई बात नहीं, फ्लेम चार्ज मुंह पे और वन शॉट।
दोस्तों उसके बाद मैं मोबाइल सिटी की जिम में गया। यहाँ का जिम लीडर है वॉटसन। मैंने इसको चैलेंज तो किया है लेकिन ये हंस क्यों रहा है यार। ओके आ जाओ इसको बैटल में बताऊंगा। आ जा मोटे। इसका पहला पोकेमोन है मैग्नेमाइट, थोड़ी सी एचपी है। एक और बार फ्लेम चार्ज करूंगा और ये होगा लास्ट। और मैग्नेमाइट गया। उसके बाद है मैग्नेटॉन, एक और बार। ओके एक और बार करना है। नहीं 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 कंफ्यूज नहीं, एक और बार फ्लेम चार्ज। एंड आखिरकार मेरे पास हो चुके हैं पूरे 3 जिम बैजेस। काफी सही। आगे जाने के बाद मैंने और मैंने काफी बड़े माउंटेन को देखा जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ा है। उसके बाद मैंने अपनी साइकिल निकाली, मैं चला गया उसी माउंटेन की ओर। मैंने सुपर रेपेल यूज करना चाहा, मैंने एक यूज किया। उसके बाद मैं इसके अंदर आ चुका हूं। लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ओ माय गॉड ये काफी छोटा है यार। अचानक से क्या होता है, मेरा यहां पे जुबैट इवॉल्व होने लगता है जो कि मेरे लिए काफी बड़ा सरप्राइज है यार। काफी सही। एंड आई गेस हां ये बनेगा गोल्ड बैट। ओके ऑल राइट गाइज। उसके बाद मैं फॉल एर्बर टाउन जैसे आया, यहां पे मैंने मुझे बुलाया और ये कुछ बोल रही है, कोई हेल्प चाहिए इसको। लेट्स सी कौन सी हेल्प है। उसके बाद मुझे पता चला यहां पर प्रोफेसर कॉस्मो को किडनैप किया गया है। मैं आगे बढ़ा यहां पर मीटियोर फॉल में आने के बाद। यहां पर भाई प्रोफेसर कॉस्मो और यहां पर टीम मैग्मा ने किडनैप किया। भाई कितने बुरे लोग हैं यार। उसके बाद अचानक से क्या होता है, यहां पर कोई आता है। ओ माय गॉड ये कौन है क्या सच में। ये है टीम एक्वा का बॉस और ये है आर्ची। अपने ग्रंट्स के साथ आया। पहले तो हमने प्रोफेसर कॉस्मो की जान बचाई और उसके बाद ये लोग वार्निंग देने के बाद जा चुके यार। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, माउंट चिमनी जा रहा हूँ बिकॉज मैंने सुना है यहाँ पर टीम मैग्मा का बॉस मैक्सी है जो कि कुछ गलत काम कर रहा है तो मुझे उसको रोकना पड़ेगा। मैं केबल कार में गया और मैं जाने वाला हूँ माउंटेन के टॉप पे, माउंट चिमनी के टॉप पे। मैं जैसे ही आया यहाँ पर भाई मैक्सी, भाई क्या कर रहा है तू। दोस्तों इसके बाद हमारी फाइट वहीं पे हो गई और इसका पहला पोकेमोन है माइटियाना। ओके आ जाओ, कंबस्किन है मेरे पास और फ्लेम चार्ज इसके मुंह पे। ओ भाई ले ले। ओके खत्म। उसके बाद ये तो गया भाई। उसके बाद आया है कैमरप्ट। ओके डबल किक काफी है भाई। एक और बार ये लास्ट होगा और फर्स्ट होगा। डबल किक ये तो गया। अब आ चुका है गोल्ड बैट। ओके और फ्लेम चार्ज, नहीं यार एयर कटर कर दिया यार। ओके कोई बात नहीं यार, आराम से फ्लेम चार्ज मुंह पे। और आखिरकार यार मैंने मैक्सी को हरा दिया है। मैक्सी को तो मैंने हरा दिया लेकिन ये अभी तक सुधरा नहीं है, ये वापस से जरूर आएगा लेकिन फिलहाल ही चला गया। उसके बाद दोस्तों मैं गया लावरिश टाउन में और मैंने सुना यहाँ पर कोई जिम भी है तो यार चलो देखते हैं। ओ माय गॉड ये क्या चीज़ है भाई, मैं कहाँ गिर गया क्या, व्हाट ये कैसा पजल है भाई। ओके काफी मजेदार भी है भाई लेकिन यार ये क्या हो रहा है, व्हाट कंबस्किन इवॉल्व हो रहा है। गाइज हमारा स्टार्टर पोकेमोन इवॉल्व हो रहा है और आखिरकार ये बन चुका है ब्लेजिकेन। उसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ा और आई गेस हाँ आखिरकार मैं पहुंच गया फ्लैनरी के पास। और यार इसकी जिमना काफी ज्यादा मस्त है, मुझे काफी बढ़िया लगा लेकिन ये गुस्से में क्यों है। उसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो गई दोस्तों। इसका पहला पोकेमोन है स्लगमा। ओके ऑल राइट ब्लेजिकेन आ जाओ। मैंने यहाँ पे भाई ब्लेजिक यूज किया एंड सक्सेसफुली वो हार गया। उसके बाद आया मल। ओके एक और बार ब्लेज किक, हाँ मुझे पता इफेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी। अब आता है टोड कॉल। ओके काफी सही यार, मैंने रॉक स्मैश करके ट्राई किया बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड इसका स्ट्रांगेस्ट पोकेमॉन यही है तो भाई पता नहीं क्या होगा। मैं यहाँ पे भाई यूज किया डबल किक, अरे यार काम नहीं कर रहा लेकिन हाँ जो भी हो भाई ये क्या था भाई। उसके बाद मैंने यूज किया डबल किक और देखते क्या होता है, ये लास्ट होगा ब्लेज किक। एंड आखिरकार मैंने फ्लैनरी को भी डिफीट कर दिया है और लेकिन अचानक से तभी क्या है मेरा इलेक्ट्राइक यहाँ पे इवॉल्व होने लगता है। सो यार लेट्स सी क्या होता है। ओ माय गॉड ये इवॉल्व हो रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड फाइनली मैनेक्ट्रिक बन चुका है। उसके बाद मुझे मिला मेरा फोर्थ जिम बैज और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई मे से और उसके बाद हम लोग साथ में जाते हैं पेटलबर्ज और यहाँ पर मेरे डैड की जिम है, जी हाँ इस गेम के डैड की, और पता नहीं क्या होने वाला है। उसके बाद यार मेरा गोल्ड बैट अचानक से इवॉल्व हो जाता है एंड भाई क्या सही है ना, अचानक से 3 पोकेमॉन इवॉल्व हो गए, ये बन गया क्रोबैट। और उसके बाद मैं गया अपने डैड की जिम में। ओके डैड हेलो, क्या सुन रहे, सो रहे भाई हेलो। ओ माय गॉड ये नाटक कर रहे सोने का, काफी सही। तो यार हमारी फाइट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, मैंने इनको चैलेंज कर दिया है एंड लेट्स सी क्या होता है, क्या मैं हरा पाऊंगा इनको। इनकी टाइपिंग है नॉर्मल। ओके ओके भाई ओके, स्लैकिंग है ब्लेज किक एंड लेट्स सी क्या होता है, ये बड़ा भद्दा पोकेमॉन है। ओके एक और बार एंड भाई ये लास्ट होगा ब्लेज किक एंड गया काम से। अब पता नहीं कौन आएगा, अब आ चुका है वीगो रोथ लेकिन इसने ना मेरे ब्लेज किक को सुना दिया है, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। फिलहाल तो यार मेरे पास वो वाला आइटम भी नहीं है जिससे मैं ब्लेज
स्किन को जगा सकूं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या करना है यार, ये मुझ पे अटैक कर रहा है मेरे ब्लेजकिन पे। भाई ब्लेजकिन प्लीज यार उठ जा भाई, इज्जत का सवाल है, सिर्फ ब्लेजकिन ही इनको हरा सकता है गेस। लेकिन मेरे पास और भी पोकेमोन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आखिरकार ब्लेजकिन उठ गया और ब्लेज किक भाई वन शॉट, यस ये मेरा ब्लेजकिन। और भाई आखिरकार मैंने अपने डैड को हरा दिया है गाइस आखिरकार, और उसके बाद क्या होना था यार, ओ माय गॉड, इनको विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इनको हरा दिया है। मेरे पास आ चुके 5 जिम बैज। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और यहाँ पर वैली और उसके डैड है, और फिर मुझे यहाँ पर मिला वन एंड ओनली सर्फ HM। थोड़ी देर के बाद मैंने एक ज़िगज़ागून को कैच किया सर्फ HM यूज करने के लिए, बड़ी मुश्किल से मिला यार, क्या बताओ यार। उसके बाद मैं और ज्यादा आगे बढ़ा, लेकिन मेरे पास साइकिल है ना। ओके ये कौन है, स्टीवन, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ओके क्या कर रहा है ये, आसमान में क्या है भाई, लेट सी व्हाट लैटियाज गाइज, यहाँ पर लैटियाज पोकेमोन आ चुकी है, और ये इसका फ्रेंड है या इसी का पोकेमोन है मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग अभी इसके ऊपर हैं और आसमान की भाई सैर कर रहे हैं। मुझे पता नहीं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। ओ माय गॉड, लैटियाज हम दोनों को कहीं पर ला चुकी है, और ये स्टीवन बोल रहा है कि इसको कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लाइक यहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो लैटियाज के साथ, लेट सी क्या है। मैं आगे बढ़ता हूँ, भाई ये क्या चीज है, आगे चले। ओ माय गॉड, यहाँ पर लैटियाज है, लेकिन ये किस खतरे में है, और लैटियाज ने हमें यहाँ पर क्यों लाया है। ओ माय गॉड, ये क्या टीम मैग्मा यहाँ पर भी, गाइज ये लोग नहीं सुधरने वाले और हम लोग को इसको धूल चटाना पड़ेगा। ओके ये है डुओ बैटल, यहाँ पर कैमरप्ट एंड कॉफिंग एंड मैं और स्टीवन साथ में लड़ने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास है मैनिक ट्रिक और इनके पास है मेटाग्रॉस, तो मैं यूज करने वाला हूँ वोल्ट स्विच इस कॉफिंग मोटे पे, और वन शॉट हो गया। उसके बाद आया है मेटाग्रॉस, भाई क्या जलवा दिखा रहा है, और मेटाग्रॉस भाई क्या मस्त मारा स्टीवन भाई ने। उसके बाद हमने इनको हराया, लेकिन यार ये लोग ना एक नंबर के खत्म आदमी है, वापस से जरूर आएंगे यार। ओके अलविदा। उसके बाद स्टीवन स्टोन भाई ने मेरी तारीफ की काफी सही, लेकिन अचानक से लैटियोस को कुछ हुआ और उसके बाद इसने मेरी पोकेमोन टीम ज्वाइन कर ली, काफी सही यार। उसके बाद स्टीवन स्टोन ने मुझे मेगा ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया, क्या लग रहा हूं भाई। थोड़ी देर के बाद मैं वापस अपनी जर्नी पे निकला, ये कौन सा रास्ता है, कहां से जाना है हमें। मैं आगे बढ़ा, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तभी मुझे एक घर दिखाई दिया, मैं इसके अंदर गया। टीम मैग्मा का एडमिन साइंटिस्ट को परेशान कर रहा है, लेकिन अचानक से मेरा ज़िगज़ागून इवॉल्व होने लगा, जबकि मैंने इसके साथ एक भी बैटल नहीं किया, ये एक्सपी शेयर का कमाल है। उसके बाद मैंने टीम मैग्मा के एडमिन से फाइट की, डबल किक, उसके बाद मैंने इसको हराया, और उसके बाद आखिरकार साइंटिस्ट अब खतरे से बाहर हो चुके हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा यहाँ पर मैं आ गई, और मुझे यहाँ पर मिला फ्लाई HM। उसके बाद मैं और आगे बढ़ा, मैं पहुंचा फॉल्ट्री सिटी में, और यार उसके बाद मैंने सुना है यहाँ पर कोई जिम भी है, तो यार मैं जिम में गया, और उसके बाद ये रही यहाँ के जिम लीडर भाई साहब, लगता है इसकी स्पेशल टाइप है फ्लाइंग, तो हाँ यार देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। ओ माय गॉड, तो यार मैंने ना क्या किया, इसको चैलेंज कर दिया, और विनोना को चैलेंज करने के बाद हमारी फाइट यहीं पे स्टार्ट हो गई, और इसका पहला पोकेमोन है स्वेलो। मेरे पास ब्लेजकिन तो है ही, लेकिन इस बार एक स्पेशल चीज है, और वो है मेगा इवोल्यूशन। जी हाँ, मेरा ब्लेजकिन यहाँ पे इवॉल्व होने वाला है मेगा ब्लेजकिन में, और भाई बन गया मेगा ब्लेजकिन, काफी सही यार, और ये ब्लेज किक मुंह पे और वन शॉट। अब आता है इसका सेकंड पोकेमोन, एंड लेट्स सी कौन है, अल्टारिया, ओके लैटियोज एंड ड्रैगन ब्रीथ सुपर इफेक्टिव है। ओके वंस मोर करेंगे एक और बार, और भाई एक बार में तो नहीं लेकिन दो बार में गया। अब आता है थर्ड पोकेमोन, तो भाई मेगा ब्लेजकिन वापस आ गया, और ये स्कारमरी फ्लेम चार्ज सीधा इस बंदे के मुंह पे, और ये पोकेमोन तो गया। अब आता है भाई लास्ट, जो कि है पहली पर ड्रैगन ब्रीथ एंड गया काम से। उसके बाद दोस्तों यार आखिरकार मेरे पास हो चुके यार पूरे के पूरे 6 जिम बैजेस, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं जाता हूं माउंट पायर में, बिकॉज़ यहां पे बहुत ही जरूरी मिशन है, यहां पर टीम मैग्मा का बॉस है, और भाई ये यहां पे रेड ऑर्ब को चुराने आया है। ओ माय गॉड, मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगा भाई साहब, यार ये तो चला गया यार, मैं कुछ नहीं कर सका। ओ माय गॉड यार, यस शिट यार, और यहां पे आखिरी ऑर्ब है, और ये है ब्लू ऑर्ब, तो मुझे कैसे भी करके इसको अपने साथ रखना पड़ेगा, और मैं यहां पे लेने वाला ब्लू ऑर्ब को। ओ माय गॉड, ये काफी खतरनाक था। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, और मैं पहुंचता हूँ टीम मैग्मा के हाइड आउट में। मैं जानता नहीं हूँ क्या करना है, लेकिन हाँ जो भी हो काफी मजेदार होगा। ओ माय गॉड गाइस, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। ओके यहाँ पे जाए, और मैं कहाँ पहुंच गया। ओ माय गॉड, ये एक पजल है या फिर क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये क्या। उसके बाद मैं इस पे गया, ओके काफी सही, और ये थर्ड वाला मैं थोड़ा और आगे आ गया, और इस बार मैं लास्ट वाले पे गया, देखते क्या होता है। ओ भाई मुझे नगेट मिल गया, काफी सही है,
यार और भी है, ये क्या है, मास्टर बॉल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ग्रंट्स आए, मैंने इन सबको हराया और उसके बाद यार मुझे पता चला इनका बॉस जा चुका है। तो उसके बाद मैं गया यहाँ पे 7th जिम बैच के लिए। ओ भाई ये कैसी ग्राफिक्स है यार, काफी खतरनाक गेम है ये। और मैं यहाँ पे चैलेंज करने वाला हूँ लीजा और टेट को, जो कि यहाँ के ट्विन जिम लीडर्स है। तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और ये रहे ये लोग, मैंने इनको फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है और यहाँ पे हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। इनके पोकेमोन है सोल रॉक एंड लूनाटोन। मैंने लाइटियोस की मदद से बड़ी आसानी से इन दोनों को हराया और काफी ज्यादा मजा आया। उसके बाद ये लोग हार गए और मुझे मिलता है मेरा जिम बैच आखिरकार यार। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है, बाहर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये क्या, यहाँ पे शहर में सभी लोग परेशान हो गए, आखिर ये क्या हो रहा है यार। उसके बाद मैं स्टीवन स्टोन के साथ उसके घर में गया और तब मुझे जाके यहाँ पे मिला डाइव HM। उसके बाद मैं अंडर वाटर गया और सी फ्लोर कैवर्न में पहुंचने के बाद मैं ऊपर गया। आगे चलकर मैं किसी अनजान सी केव में पहुंच गया, मैं जानता नहीं हूं मैं कहां पर हूं, लेकिन यहां पे कुछ लावा टाइप का है। ओ माय गॉड मैं इसके अंदर गया, लेकिन ये क्या, यहां पर ग्राउडॉन है गाइस। ये समय है एक्शन का मेगा लैटियोस एंड मैन इनको अच्छे से धूल चटाई। उसके बाद यार ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग नहीं, ये जो मैक्सी है ये यहां पर ग्राउडॉन को जगा रहा है। यहां पे आर्ची भाग चुका है जो कि टीम एक्वा का बॉस है, लेकिन ग्राउडॉन को जगा रहा है ये रेड ऑर्ब की मदद से। ओ माय गॉड गाइस ये मैं क्या देख रहा हूं, ग्राउडॉन जाग चुका है। मैं नहीं जानता कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मैं कुछ भी नहीं जानता भाई। ये क्या ग्राउडॉन, ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है भाई। भाई बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ग्राउडॉन कहां गया भाई। भाई सीरियसली पूरी दुनिया तबाह होने वाली है ग्राउडॉन की वजह से। ये ग्राउडॉन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये कभी ऐसा नहीं चाहता था और ये बोल रहा है कि पूरी दुनिया में सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन यार मैं इस आइलैंड पर अकेला हूं, मैं कहां पर हूं यार। लेकिन तभी ये क्या, ये कौन है आसमान से, ये है स्टीवन स्टोन। ओ माय गॉड आखिरकार ये आ चुका है हमारी जान बचाने के लिए, कोई तो आया मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन इसके बाद इसने यहां का हाल देखा लेकिन वापस से जा रहा है यार। अरे यार मुझे तो ले जा। उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, मैं आ चुका हूं सोटोपोलिस में स्टीवन एंड वॉलिस के साथ। यहां पर है मैक्सी आर्ची एंड उनका एडमिन, लेकिन यार ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा। तो यार और कर भी कर सकते हैं, मैं गया अंदर और यहां पर भाई मुझे पता भी नहीं है मुझे क्या करना है यार। ओके चलो यार आगे चले। ये क्या है, मैं कहां पर आ गया, ये कुछ हो रहा है यार यहाँ पे। मैंने कोई सूट पहन लिया और ये है मैग्मा सूट और मेरे साथ है ब्लू ऑर्ब, ठीक है यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करेगा काफी सही। भाई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, जमीन से कौन बाहर आ रहा है। ओ माय गॉड ग्राउडॉन मैं इसके ऊपर हूँ, लिटरली मैं ग्राउडॉन के ऊपर हूँ। मैं यहाँ पर लावा पर चल रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा, ग्राउडॉन चल रहा है एंड सीरियसली मैं उसके ऊपर हूँ। भाई ये क्या हो रहा है यार, ओमेगा पावर गाइज ये कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ग्राउडॉन वहां पर है एंड आई गेस हाँ ये समय है इसको फाइट करने का, इसके साथ बैटल करने का। ग्राउडॉन आ जाओ मैं तैयार हूँ इसके साथ। लेकिन अचानक से कुछ अलग सा होता है, अभी मेरे सामने है ग्राउडॉन, एकदम से मेरे जस्ट सामने है और पता नहीं है इसके साथ क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता। ओ माय गॉड गाइस ये अपने अंदर ओमेगा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ओमेगा का साइन है। और भाई ये आ चुका अपने प्राइमल फॉर्म में। ओ माय गॉड इसका साइज तो देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा है। उसके बाद क्या होना था यार, हमारी फाइट वहीं पर स्टार्ट हो गई। मेरे जस्ट सामने है प्राइमल ग्राउडॉन और भाई मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास है मेगा इवोल्यूशन, तो मेगा इवोल्यूशन एंड ब्लेज किक। ओके यहाँ पे आ चुका है मेगा इवोल्यूशन फॉर्म में और ये भाई ब्लेज किक इस मोटे के पेट पे, क्या कुछ भी नहीं, ये क्या कर रहा है भाई, क्या था ये, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। गाइज लाइटियोस आखिरी उम्मीद है। उसके बाद मैंने जो मास्टर बॉल मिला था मुझे, मैंने इस पे फेंका और देखते हैं क्या होता है। ओ यार आखिरकार यस, वैसे मास्टर बॉल से कैसे बचेगा यार, मेरा न्यू पोकेमोन है वन एंड ओनली ग्राउडॉन। आखिरकार भाई न्यू लेजेंडरी आ चुका है हमारे पास। और लेकिन अचानक से पूरी गुफा टूटने लगी और पता नहीं क्या हो रहा है, सोटोपोलिस सही तो है ना भाई। ओ माय गॉड गाइज दुनिया में क्या हो रहा है ये, गाइज ये क्या, पूरी जगह पर तारे चमचमा कर गिर रहे हैं,
क्या सीन है यार। उसके बाद मुझे मैक्सी ने रेड ऑर्ब दिया और उसके बाद ये लोग हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद मैं गया लास्ट जिम में और यहाँ का जिम लीडर है वॉलिस, काफी मजा आएगा क्योंकि ये लास्ट है, लेकिन ये कैसे पोज है भाई। उसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो जाती है और यार इसका पहला पोकेमोन है लवडिस, काफी सही। लेकिन मेरे पास है ग्राउडॉन, काफी मस्त यार। ओके यहाँ पे ये क्या हो रहा है ग्राउडॉन को, ओ माई गॉड ये आ चुके हैं अपने प्राइमल फॉर्म में यार, प्राइमल ग्राउडॉन, ओ माई गॉड। सनलाइट भी है यानी कि हमारे पास काफी बड़ा टाइम है। ओके सो ये अर्थक्वेक, ओ माई गॉड वन शॉट हो गया भाई। ओके माइलोटिक है, एक और बार अर्थक्वेक, देखते हैं क्या होता है भाई, थोड़ी सी एचपी है। ओके वंस मोर, और भाई ये तो गया काम से। फिर आता है विशकैश, मैंने यहाँ पे अर्थक्वेक यूज किया और यार देखते हैं क्या होता है, वन शॉट हो गया। अब आ चुका है सीलियो, ओके लेट्स सी क्या होता है, मैंने अर्थक्वेक यूज किया, ऑल राइट डूड ये वन शॉट हो गया। अब आ चुका है लास्ट पोकेमॉन, ये है सीकिंग, लेकिन अर्थक्वेक तो है नहीं, तो मैंने यूज किया स्मैकडाउन। एंड फाइनली डूड, फाइनली मैंने अपने पूरे के पूरे जिम लीडर्स को हरा दिया और मेरे पास हो चुके हैं पूरे 8 जिम बैजेस। कुछ टाइम के बाद मैं और ज्यादा आगे बढ़ा, मैं आ चुका हूँ विक्ट्री रोड पे। उसके बाद मैं लैटियोस पे सर्फ करके आगे बढ़ा। एंड सीरियसली यहाँ का ग्राफिक डिजाइन बहुत ही ज्यादा कूल है एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन ये कौन है। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई वैली से, हमारी फाइट स्टार्ट हो गई और इसके पास आ चुका है मेगा गैलेड, लेकिन मेरे पास आ चुका है प्राइमल ग्राउडॉन और ये वन शॉट। उसके बाद क्या होना था यार, हमेशा की तरह बेचारे का मूड सैड हो गया। और उसके बाद यार और क्या कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ा और विक्ट्री रोड खत्म हुआ, मैं आ चुका हूँ पोकेमॉन लीग में। और यार वो देखो सामने देखो, ये है पोकेमॉन लीग, ओह माय गॉड गाइस, ये है नर्स जॉय। मैंने अपने पोकेमॉन हील किए। उसके बाद जैसा कि मेरा रूल था, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन यूज कर सकता हूँ पोकेमॉन लीग में। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और ओह माय गॉड ये क्या चीज है डूड, यहाँ पर रहता है पहला इलीट फोर मेंबर सिडनी, मैंने इसको चैलेंज कर दिया है और देखते हैं क्या होता है। पहले तो इसका लास्ट पोकेमॉन है कैक्टर्न और मैंने लावा प्लम से इसको हरा दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैं मिला यहाँ पे सेकंड इलीट फोर मेंबर से और ये नाच क्यों रही है। उसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो गई और देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। ओके डस्कलॉप से आ जाओ, मैंने यहाँ पे यूज किया ओवरहीट और ये वन शॉट, काफी सही यार। उसके बाद आ चुका है सैबले, ओके ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अर्थक्वेक और ये भी वन शॉट हो गया। उसके बाद आ चुका है बैनेट, काफी सही, अर्थक्वेक एंड लेट्स सी क्या होता है, और भाई गया काम से। फिर आ चुका है एक और बैनेट, ओके एक और बार अर्थक्वेक और ये गया काम से। अब आ चुका है डस्क नोएड, ओ माय गॉड ये थोड़ा स्ट्रांग है तो संभल कर यार, अर्थक्वेक एंड देखते क्या होता है, ये वन शॉट नहीं हुआ। और उसके बाद इसने मुझ पे हेक्स यूज किया और ये रहा लास्ट और आखिरकार गाइस ये गया अर्थक्वेक से और मैंने इसके बाद इस एलीट फोर मेंबर को भी हरा दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, लेकिन यार ये क्या है, एकदम से ठंडी जगह है, यहाँ पे भाई आइस टाइप है ना, ये है ग्लेशिया जो कि आइस टाइप एलीट फोर मेंबर है। ओ माय गॉड मैंने इसको चैलेंज कर दिया है एंड लेट्स सी क्या होता है, फिर मैंने इसको हराया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और भाई यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलीट फोर मेंबर है और वो कोई और नहीं, वो है ड्रेक। भाई इसके पास ना ड्रैगन टाइप्स है तो भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, यहाँ पे ड्रेक को चैलेंज कर दिया है। इसका पहला पोकेमॉन है अल्टारिया, ग्राउडॉन भी आ चुका है अपने प्राइमल फॉर्म में, ये टाइम है फाइट करने का। लेकिन तभी अल्टारिया ने ग्राउडॉन पे अटैक किया और ग्राउडॉन ने एक ही बार में पटक दिया इसको। उसके बाद आ चुका है किंगड्रा, ओके अर्थक्वेक एंड लेट्स सी क्या होता है, ओके यार वन शॉट। अब आ चुका है फ्लाइगॉन, इस पे ग्राउंड मूव काम के नहीं, ऑल राइट तो यहाँ पे स्ट्रेंथ यूज किया मैंने और ये वंस मोर ये लास्ट होगा और फ्लाइगॉन गया। अब आ चुका है साइलेमेंस और ये गया काम से। फिर उसके बाद ड्रेक हार जाता है एंड फाइनली मैं जा रहा हूँ चैंपियन के पास। ओके मैं आ चुका हूँ, हे स्टीवन स्टोन क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही चुके हो, मैं पहले से ही जानता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, तो क्या तुम तैयार हो। मैंने स्टीवन स्टोन को चैलेंज कर दिया है और आखिरकार चैंपियन से हमारी फाइट हो रही है, ग्राउडॉन आ जाओ। ओके तो यहाँ पे टाइम है भाई प्राइमल फॉर्म में आने का और भाई आखिरकार अब समय है फुल अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन करने का। स्कॉर्मर है, सनलाइट भी है, काफी सही, ये है लावा प्लम और वन शॉट, नहीं 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 थोड़ा सा है, ओके बर्न हो गया और आखिरकार स्कॉर्मर ही गया।
अब आ चुका है क्लेडोल, तो यहाँ पे मैंने यूज किया स्ट्रेंथ एंड लेट्स सी क्या होता है। क्लेडोल गया और भाई आ चुका है यहाँ पे एग्रॉन, मैंने अर्थक्वेक यूज किया। लेकिन यार यहाँ पे ना ये जो एग्रॉन है ये भी अर्थक्वेक जानता है, मैंने फुल रिस्टोर यूज किया ग्राउडॉन पे। और अब समय आखिरी अर्थक्वेक का, भाई आराम से यार, मैंने बोला ना वो भी अर्थक्वेक जानता है और ये मेरा वाला। और आखिरकार एग्रॉन गया, अब आ चुका है क्रैडली, मैंने इस पे अर्थक्वेक यूज किया। ओके अर्थक्वेक एक और बार और ये हार गया। अब भाई आ चुका है यहाँ पे भाई अर्माल्डो, काफी सही, एक और बार अर्थक्वेक। भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर लेजेंडरी है भाई। ओके मेटाग्रॉस है लेकिन नॉर्मल नहीं, ये है मेगा मेगा स्टोन के साथ और ये है मेगा मेटाग्रॉस, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये लास्ट होगा अर्थक्वेक। एंड आखिरकार यस यस गाइज, मैंने स्टीवन स्टोन को हरा दिया है और यार काफी सही, मैं आ चुकी है, इसको विश्वास नहीं हो रहा, प्रोफेसर आ चुके हैं सर। ओके और अब समय है भाई आने का, रजिस्टर होने का, लेकिन मैं भी आ रही थी लेकिन स्टीवन ने उसको मना कर दिया, भाई लोल हो गया। ओके आ जाओ यार, ओ माई गॉड गाइज, ओके भाई क्या सही यार, आ जाओ यहाँ पे पोकेबॉल रखने, मेरे पास है मास्टर बॉल यार। ओ माई गॉड, हमारा नाम आने वाला है हॉल ऑफ फेम में और मैं बन चुका हूँ चैंपियन। उसके बाद यार मुझे काफी बढ़िया लगा, उसके बाद मैं नीचे गया, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे मैं मेरा इंतजार कर रही है। ओके यार काफी सही, इसने मुझे वेलकम बैक कहा, काफी सही, और ये बोल रही है कि हमने अपने सफर को साथ में शुरू किया था तो मेरे ख्याल से हमें इसे खत्म भी साथ में ही करना चाहिए। हे हे, चलो वापस से चलते हैं अपने शहर को और चलो चलते हैं घर। अब इसके बाद मैं और मैं वापस से अपने अपने घर चले गए और वापस से आने के बाद मैं की आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि ये मुझसे बैटल करना चाहती है। ओके यार आ जाओ, इसका पोकेमोन है स्वेलो और मेरे पास है ग्राउडॉन। अरे यार नहीं, प्राइमल फॉर्म में मत आ भाई, कहीं उसके पोकेमोन मर ना जाए यार। ओके जो भी हो, यहाँ पे भाई ये सनलाइट कहाँ से आ गया रात को। वेल यहाँ पे भाई लावा प्लम भाई क्या कर रहा है, ये ले। ओके खत्म, वन शॉट हो गया, अब कौन आएगा, आजा मैक कार्गो। ओके अर्थक्वेक एंड देखते क्या होता है, अर्थक्वेक एंड वन शॉट, काफी सही यार, अब कौन आएगा। ओके ब्रेलू मैं इस पे लावा प्लम करूंगा और ये ले भाई। ओके यार खत्म, यार खत्म। ओके अब कौन आएगा, राइचू, यार मुझे भी ये चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये भाई ले ले। अब यार देखते हैं इसका लास्ट पोकेमोन कौन सा है। ओ माय गॉड, ये है स्वैम्पर्ट, लेकिन यार नॉर्मल नहीं, इसके पास है मेगा स्टोन और ये बन जाता है मेगा स्वैम्पर्ट में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, इस पे भले फायर एंड ग्राउंड काम नहीं करेगा लेकिन नॉर्मल तो काम करेगा ना। इस अंधेरी रात में मैं हूँ मे के साथ। वेल गाइज, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो मैं इस गेम में और भी ज्यादा आगे जाऊँ तो आप लोग आज की वीडियो को बस एक लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो यार, ताकि मैं जैसी और भी ऐसे गेम्स के चैलेंजेस करूँ आप लोग को वीडियो सबसे पहले मिलेगी। वेल गाइज, मैंने ऐसे और भी चैलेंजेस किए, जाओ आप लोग के सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, उनको जाओ देखो और इंजॉय करो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।